Students, let us start with our third last activity, that is your 43rd activity it is, but your competency is 18 and the last part of this competency. We were talking about paraphrasing a word or a phrase, koi bhi paraphrasing ya phir paraphrasing of word ya phir paraphrasing of phrase kaise karte hai, iske bare mein kal humne last video mein thodi si information hasil kiye the, kaise humko uske meaning badalne hai aur phir वो सेंटेंस में चेंज करना है. तो आज हम इसकी आगे के स्टेज करेंगे. सो फॉर दिस आपके टीचर्स आपको क्या हेल्प करेंगे, दे विल टेल यू द नेचर ऑफ दिस एक्टिविटी एंड ऑल्सो दे विल हेल्प यू जहाँ पे भी आपको ज़रूरत होगी. व्हाट आर यू सपोज टू डू देन, आपको पैराग्राफ सही से पढ़ना है, जो वर्ड्स या फ्रेजेस आपको दिए गए हैं या बताए जाएंगे उसको अंडरलाइन करना है, जिसको हम चेंजेस करेंगे. फिर उसका वहाँ पे सेंटेंस में रिलेटेड मीनिंग क्या निकलता है. कभी कभी कुछ वर्ड्स के हमको मीनिंग पता नहीं होते, लेकिन यस जब हम वो सेंटेंस पढ़ते हैं या कोई भी पैराग्राफ पढ़ते हैं उसका थोड़ा सा एकदम एग्जैक्ट मीनिंग हम नहीं बता सकते, लेकिन यस हम रिलेट कर सकते कि शायद उसका मतलब ये हो सकता है. सो यहाँ पे हमको मीनिंग क्या करना है, गेस करना है, एंड देन यू विल स्टेट द मीनिंग ऑफ द वर्ड इन योर सेंटेंसेस. फिर उसका मीनिंग जो है वो निकाल कर उसके हिसाब से हमको खुद का सेंटेंस बनाना पड़ता है. तो लेट अस स्टार्ट नाउ. आपको एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर दिया गया है, देखो द फर्स्ट वन, माई कार नीड्स पेट्रोल. अभी मेरी कार को पेट्रोल की ज़रूरत है, इसको सिनोनिम करना है. तो हम यहाँ पे सिनोनिम क्या लेंगे, पेट्रोल जो है इसको. अब पेट्रोल क्या है, पेट्रोल यानी फ्यूल है, बराबर. तो हम यहाँ पे क्या सेंटेंस चेंज कर सकते हैं, देखो दैट माई व्हीकल, कार यानी एक गाड़ी. यहाँ पे आपको कार कोई भी हो सकती है, बाइक हो सकती है, कोई भी व्हीकल है. तो कार यानी एक व्हीकल हुआ, तो हमने इसके लिए भी सिनोनिम लिया और पेट्रोल के लिए भी फ्यूल लिया, ऑल्सो नीड्स के लिए भी लिया. यानी हमने पूरी तरह से उसके वर्ड्स चेंज किया, हर एक वर्ड के लिए सिनोनिम लिया, उसके सिमिलर मिलते जुलते वर्ड्स लिए, लेकिन हमारे सेंटेंस का मीनिंग नहीं बदला. ये हमारी फर्स्ट कंडीशन थी, सेंटेंस के मीनिंग नहीं बदलने चाहिए. सो माई कार नीड्स पेट्रोल, इसका आंसर हुआ माई व्हीकल नीड्स और रिक्वायर्स फ्यूल. फिर आपको सेकेंड एक्टिविटी दी गई है दैट चेंज द ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स. वर्ड की जो ऑर्डर है यानी शुरू में आए हुए वर्ड्स लास्ट में डालने हैं या फिर लास्ट में आए हुए वर्ड्स शुरू में डालने. जैसे पहला एग्जाम्पल देखो, फर्स्ट दिया है लर्निंग टू मैनेज मनी इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ. यानी पैसे मैनेज करना, उसकी सेविंग करना या कैसे भी बचाना, बचत करना, ये लर्न करना क्या है, हमारी ज़िंदगी का एक अहम पहलू है, एस्पेक्ट है. ओके पैसे बचाना या पैसे मैनेज करना ये कैसे सीखना है, ये हमारी ज़िंदगी का इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, पहलू है. तो यहाँ पर चेंज किया, देखो उन्होंने क्या, लर्निंग टू मैनेज मनी इन लाइफ इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट. यहाँ पे देखो मीनिंग बदला नहीं, सेम है. ज़िंदगी में पैसे कैसे मैनेज करने हैं ये सीखना एक इम्पॉर्टेंट पहलू है. दोनों मीनिंग सेम हुआ, कि दोनों का मतलब क्या हुआ कि हमको हमारी ज़िंदगी में पैसे बचाना ज़रूरी है और ये सीखना हर किसी को कंपलसरी, क्योंकि हमारी ज़िंदगी जीने का एक सही पहलू है. पैसे उड़ाने नहीं चाहिए, खर्च नहीं करने चाहिए ज़्यादा, ठीक है. नाउ थर्ड देखो यहाँ पर, पैराफ्रेज द वर्ड्स बाय चेंजिंग द फॉर्म ऑफ अ वर्ड. मैंने आपको कल बताई थी फॉर्म ऑफ अ वर्ड यानी क्या रहता है, नाउन टू एडजेक्टिव करना है, एडजेक्टिव से एडवर्ब करना है या फिर वर्ब करना है, राइट. तो यहाँ पे पहला दिया है देखो आपको सेंटेंस, द शुगर प्राइस रोज ड्रामेटिकली. यानी शक्कर की कीमत एकदम जैसे ड्रामेटिकली, यानी मतलब कैसे नाटक में कैसे होते कुछ चीज़ें अचानक होती है, तो यहाँ पे ड्रामेटिकली यानी नाटक करते हुए नहीं, मतलब यहाँ पे कहना है उनको कि अचानक से जैसे ड्रामा में चेंज होता है वैसे. तो यहाँ पर आंसर क्या देखो दिया उन्होंने चेंज, कि उसका ड्रामेटिकली का ड्रामेटिक क्या है, ड्रामेटिकली क्या है एडवर्ब LY लगा और ड्रामेटिक यानी क्या है एडजेक्टिव. सो हमें मीनिंग क्या देखो, देयर वॉज अ ड्रामेटिक राइज इन द प्राइज ऑफ शुगर. यानी शक्कर की कीमत में अचानक क्या हुआ, नाटक के जैसा एकदम ड्रामा के जैसा राइज हुआ, अचानक बढ़ गई. ओके तो द प्राइज शुगर प्राइस रोज ड्रामेटिकली, इसका उन्होंने चेंज क्या किया, देर वॉज अ ड्रामेटिक राइज इन द प्राइज ऑफ शुगर. ओके एंड देन लास्ट प्रैक्टिस आपको दी गई है, पैराफ्रेज द वर्ड्स बाय मेकिंग एक्टिव इन टू पैसिव वॉइस. दिया गया सेंटेंस अगर एक्टिव वॉइस में है तो उसको पैसिव वॉइस में ट्रांसफ़र करो, अगर ट्रांसफ़र पैसिव वॉइस में ऑलरेडी है तो उसको एक्टिव वॉइस में ट्रांसफ़र करो. जैसे कि यहाँ पे दिया है देखो, द गवर्नमेंट इन्वेस्टेड
$30 million इन द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन. गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट यानी एजुकेशन को डेवलप करने के लिए $30 million इन्वेस्ट किए, राइट? तो यहाँ पर बताया गया है क्या कि ये जो सब्जेक्ट हमको पता है, यहाँ पे देखो द गवर्नमेंट कौन रहता है, सब्जेक्ट, देन दिस इज़ अ वर्ब, 30 million क्या है, ऑब्जेक्ट, एंड दिस इज़ द कॉम्प्लीमेंट, राइट? तो हमको ये ओ आगे आना है, हमको पता है. सो यहाँ पे आया देखो, $30 million वॉज इन्वेस्टेड इन द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन बाय द गवर्नमेंट. बराबर इस तरीके से उन्होंने चेंज कर दिया कि $30 million वॉज इन्वेस्टेड इन द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन बाय द गवर्नमेंट. ओके, तो इस तरीके से देखो कैसे उन्होंने पहले सिनोनिम का इस्तेमाल किया. कार नीड्स पेट्रोल, व्हीकल रिक्वायर्स फ्यूल, यानी सेम मीनिंग के अल्फाज डाले, मीनिंग बदले नहीं. सेकेंड, चेंजिंग इन वर्ड ऑर्डर, वर्ड्स की ऑर्डर चेंज किए, जैसे कि यहाँ पे एस्पेक्ट ऑफ लाइफ है तो उन्होंने मनी, दैट लर्निंग टू मैनेज मनी इन लाइफ, यहाँ पर उन्होंने चेंज किया. देन चेंजिंग द फॉर्म ऑफ वर्ड, ड्रामेटिकली जो था उसका ड्रामेटिक किया. एंड लास्ट है एक्टिविटी पॉइस, यानी SVO की जगह पे उसको OVS कर दिया, राइट? क्लियर? नाउ नेक्स्ट पार्ट देखो, देन आपको एक एक एग्जाम्पल दिया गया है. पहला क्वेश्चन दिया है दैट आपको अभी इससे पहले हम लोग एक रीड करके लेते हैं. देखो पहला दिया क्या है, पैराफ्रेज द सिनोनिम्स, यानी सिनोनिम डालकर आपको क्या करना है, पैराफ्रेज करना है उसको, सिमिलर वर्ड डाल के आपको पैराफ्रेज करना है. तो यहाँ पे फर्स्ट वन, यू कैन सी हियर, फर्स्ट वन इज़ गिवन सिनोनिम इस्तेमाल करके. तो वायलेंस क्राइम के लिए अलग अलग बहुत है. वायलेंस क्राइम कौन कौन से रहते हैं, जैसे कि किसी के ऊपर अटैक करना, असॉल्ट करना, मर्डर करना, राइट? ये सारे क्या है, असैसिनेशन वगैरह, ये सब क्या है, वायलेंस क्राइम है, राइट? दूसरे को हर्ट करना, दूसरे की ज़िंदगी ख़त्म करना, दूसरे को तकलीफ पहुँचाना, ये सारे वायलेंट क्राइम्स है. सेकेंड फॉर्म आपको दिया गया है दैट यू हैव टू चेंज द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, यानी हैप्पी एडजेक्टिव है तो उसका हम दूसरा फॉर्म ले सकते हैं, एडवर्ब करो, दूसरा कर सकते हैं. सक्सेस क्या है, कामयाबी, उसका भी हम एडजेक्टिव कर सकते हैं. रियल एडजेक्टिव है, इसका वर्ब कर सकते हैं, एडवर्ब कर सकते हैं, राइट? एंड देन चेंजिंग वॉइस, यहाँ पे नाइगरा फॉल्स इज़ व्यूड, अभी यहाँ पे ये क्या है, पैसिव वॉइस है तो हमको इसका क्या करना है, एक्टिव वॉइस करना है. ओके, लेट अस सी देन हाउ टू डू इट. फर्स्ट वन आपको दिया गया है, देखो यू कैन सी हियर, सी पैराफ्रेज द सिनोनिम्स, दिए गए पैराफ्रेज सिनोनिम्स का इस्तेमाल करके चेंज करना है, पैराफ्रेजिंग करने से. पहला दिया है वायलेंस क्राइम इज़ ऑन द राइज अमंग द टीनेजर्स, अभी वायलेंस क्राइम में बहुत है तो हम यहाँ पे सिंपल ले सकते हैं, असॉल्ट्स आर इंक्रीजिंग अमंग द टीनेजर्स, यानी एक दूसरे पर हमला करना गुस्से में ये बहुत कॉमन हो गया है. ऑन राइज की जगह पे मैंने इंक्रीजिंग रखा, राइट? सेकेंड आपको दिया गया है, सी हियर, paraphrase the words by changing the form of the word, जैसे happy adjective का हम adverb करके देखेंगे, success noun का adjective करके देखेंगे, and real adjective का adverb करके देखेंगे, ठीक है? Let us see then how to do it. सी पहला दिया गया आपको happy, हम happy का क्या कह सकते हैं, simple adjective में, यह है adjective form. Sneha was very happy to receive the award, Sneha बहुत खुश थी जब इसको वो award मिला. अब यहाँ पे हैप्पी का मैंने किया है यहाँ पे LY लगा कर एडवर्ब, सो हियर आई कैन से स्नेहा हैप्पीली रिसीव्ड द अवार्ड, मीनिंग सेम हुआ, स्नेहा बहुत खुश थी अवार्ड लेते वक्त, स्नेहा ने खुशी से अवार्ड लिया, दोनों को मीनिंग सेम हुए. नेक्स्ट हार्ड वर्क, यानी मेहनत का काम, तो यहाँ पे देखो हार्ड वर्क क्या है, हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस, कामयाबी का राज है हार्ड वर्क, लेकिन ऑल्सो लीडर्स वर्क हार्ड फॉर सक्सेस, यहाँ पर हमने क्या किया, इस नाउन का वर्ब में इस्तेमाल किया, अंडरस्टूड? एंड देन नेक्स्ट, ओके यहाँ पे सक्सेस है आपका वर्ड, सक्सेस के लिए भी देखेंगे सीयर दैट, सी सक्सेस का सेंटेंस भी मैंने आपको आगे दिया है यहाँ पर, व्हाट इज़ इट, दैट माय फादर इज़ अ सक्सेसफुल डॉक्टर, मेरे फादर एक सक्सेसफुल डॉक्टर है, कामयाब डॉक्टर है. सेकेंड, उस सक्सेसफुल का मैंने यहाँ पर कैद कर दिया, नाउन कर दिया, माय फादर इज़ वेल नोन फॉर हिज सक्सेस इन द फील्ड ऑफ मेडिकल, यानी डॉक्टरी के पेशे में मेरे फादर कामयाबी के लिए फेमस है, मशहूर है, राइट? नेक्स्ट है देखो रियल, माय फादर इज़ अ रियल हीरो, माय फादर इज़, मेरे अब्बा क्या, मेरे फादर कौन है, असली हीरो है, माय फादर
इज़ रियली अ हीरो, यहाँ पे आएगा माई फादर इज़ रियली अ हीरो, क्लियर। नाउ नेक्स्ट पार्ट देखो, और क्या हो सकता है, यू कैन पैराफ्रेज द सेंटेंस बाई चेंजिंग द वॉइस। जैसे पहला है देखो, नाइगरा फॉल्स इज़ व्यूड, इज़ व्यूड यानी क्या हो गया, बी फॉर्म प्लस वी थ्री, इज़ व्यूड बाई थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट एवरी ईयर। तो यहाँ पर क्या हो गया देखो, बी एंड वी थ्री फॉर्म आ गया, यानी ये हो गया पैसिव वॉइस, करेक्ट। तो यहाँ पर चेंज करना है हमको थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट, थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट व्यू, इज़ व्यूड क्यों आया, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है। सो व्यू नाइगरा फॉल्स एवरी ईयर, ओके। इस तरीके से आपको और प्रैक्टिस के लिए दिया गया है, देखो यहाँ पे आगे यू कैन सी, ही इज़ अ क्लेवर बॉय, माई व्हीकल नीड्स रिपेयरमेंट। तो यहाँ पे क्या करना है हमको, इनका चेंज करना है। हम आंसर्स देखेंगे इसके क्या है, ही इज़ अ क्लेवर बॉय का क्या होगा, देखो आंसर पहले सवाल से तो देख के लो, पहले सिनोनिम इस्तेमाल करने हैं सेम मीनिंग, जैसे क्लेवर बॉय के लिए या फिर व्हीकल नीड्स रिपेयरमेंट। सेकेंड है ऑर्डर चेंज करनी है, दैट ही स्टोल द नेकलेस एंड मैनेज टू रन अवे, उसने नेकलेस चुराया और वहाँ से भागने में कामयाब हो गया। सेकेंड है वर्ड का फॉर्म चेंज करना है, जैसे ड्रामेटिक एंड मोटिवेशन है। एंड थर्ड है एक्टिव का पैसिव करना है, जैसे प्रिंस गेव हर अ बैग ऑफ सीड, प्रिंस ने उसको सीड से बीज से भरी हुई बैग दिया। तभी जवाब देखो एक एक देखेंगे, वॉट इज़ इट सी, पैराफ्रेज द सिनोनिम्स, ही इज़ अ क्लेवर बॉय, क्लेवर बॉय की जगह पे हम ब्राइट यंग मैन लिख सकते हैं, ही इज़ एन एक्सट्रीमली ब्राइट यंग मैन। नेक्स्ट, माई व्हीकल नीड्स रिपेयरमेंट, यहाँ पे माई ऑटोमोबाइल इज़ इन नीड ऑफ रिपेयर्स, या मेरी माई कार इज़ इन नीड ऑफ रिपेयर्स। नेक्स्ट, ही स्टोल अ गोल्ड नेकलेस एंड मैनेज टू रन अवे, चेंज क्या करना है ऑर्डर वर्ड्स की। सो इसने क्या किया, नेकलेस चुराया और भाग गया, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि नेकलेस चुरा कर भागने में वो कामयाब हो गया। सो हियर वी कैन से ही मैनेज टू रन अवे बाय स्टीलिंग अ गोल्ड नेकलेस, ओके। एंड देन आगे देखो, आपको दो वर्ड्स दिए हैं, ड्रामेटिक एंड मोटिवेशन। ड्रामेटिक के लिए सेंटेंस देखो, माई यंग ब्रदर इज़ वेरी ड्रामेटिक, मेरा छोटा भाई बहुत नौटंकी है। सेकेंड उसको चेंज किया मैंने, क्या ड्रामेटिक का ड्रामेटाइज किया, ही कैन ड्रामेटाइज एनी सीन नाइसली, वो कोई भी सीन बहुत अच्छे से ड्रामेटाइज कर सकता है। मोटिवेशन नाउन है, तो यहाँ पे मैंने नाउन लिया, मोटिवेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस, कामयाबी के लिए हौसला अफजाई बहुत ज़रूरी है, आपको प्रोवोक करना बहुत ज़रूरी है। एंड आपको कौन मोटिवेट करता है, वर्ब, माई योर पेरेंट्स मोटिवेट यू फॉर योर सक्सेस, आपके पेरेंट्स आपको क्या करते हैं, हमेशा आपको हौसला देते हैं। एंड देन लास्ट है वर्ड्स बाई चेंजिंग फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस, जैसे कि प्रिंस गेव हर अ बैग ऑफ सीड, इसकी जगह पर हम कर सकते हैं बैग ऑफ सीड वॉज गिवन टू द प्रिंस बाय टू हर बाय द प्रिंस, ओके। नाउ नेक्स्ट आपको बताया गया है कि वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ पैराफ्रेजिंग, इसका मीनिंग और किस तरीके से वो हम कर सकते हैं, इसका जवाब देखो आगे, हमने कल किया था वैसा ही है। वॉट इज़ द आंसर, दैट पैराफ्रेजिंग मीन्स वॉट, एक्सप्रेसिंग द मीनिंग ऑफ समथिंग। और ये कैसे कर सकते हैं, वी कैन पैराफ्राइज फेस बाई यूजिंग सिनोनिम्स, चेंजिंग द वर्ड ऑर्डर, चेंजिंग द फॉर्म ऑफ द वर्ड, चेंजिंग द सेंटेंस स्ट्रक्चर, एंड ऑल्सो बाई ब्रेकिंग द इंफॉर्मेशन इंटू सेपरेट सेंटेंसेस, ठीक है। तो इस तरीके से हमको आज हमने क्या सीखा, वॉट हैव यू लर्न टूडे, यू हैव लर्न हाउ टू पैराफ्रेज द सिनोनिम्स, ऑल्सो हैव टू पैराफ्रेज बाई चेंजिंग देयर ऑर्डर, पैसिव वॉइस एंड एक्टिव वॉइस का भी सीखा है। आगे के ग्रामर आगे अभी जा आपकी 19th and 20th तो एक्टिविटीज़ बाकी है कॉम्पिटेंसी, उसमें हम वॉइस पे ही फोकस करने वाले हैं। तो आज की एक्टिविटी में आप सिर्फ इस तरीके से समझ के लिख लो, हम डिटेल में नेक्स्ट एक्टिविटीज़ में इनकी मालूमात डेफिनेटली हासिल करेंगे। हैव अ गुड डे।